हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक जो कि ज़्यादातर लोगों के माइंड में रहता है, स्पेशली गर्ल्स के माइंड में रहता है। वो है डिफरेंस बिटवीन ब्रॉन्जर एंड कॉन्टोर। यस, और पहले मुझको भी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि मुझे लगता था ब्रॉन्जर कॉन्टोर सब एक ही है, एक ही वर्क है दोनों का। और मुझको इसका जो यूज डिफरेंस है, इससे कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है आपके ब्रॉन्जर यूज़ करने से और कॉन्टोर यूज़ करने से, मुझको अब पता चला है। तो मैंने सोचा इस पर भी वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि जब मैं बिगिनर थी मेकअप में तो मुझको भी ये बहुत बड़ा एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा लगता था ये इशू। मुझे दोनों चीज़ें एक ही लगती थी, तो ये जो कन्फ्यूजन है मेरे माइंड में इसलिए था क्योंकि दोनों ब्राउन ब्राउन लगते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता कुछ डिफरेंस। मतलब कोई अगर किसी कोई अनजान हो व्यक्ति, कोई अनजान पर्सन हो, तो उसको नहीं पता चलेगा एकदम से स्टार्टिंग में। तो मुझे लगा कि मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए, बिकॉज बहुत सारी गर्ल्स को, बहुत सारे लोगों को इस पे कंफ्यूजन है कि ब्रॉन्जर और कॉन्टोर एक ही चीज़ है या फिर आखिर दोनों ही क्या चीज़ है। मे बी आपको ये ना पता हो कि दोनों ही क्या चीज़ है, और मे बी आपको पहले से क्लियर हो कि दोनों में क्या डिफरेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इसको समझने के लिए आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रॉन्जर या कॉन्टोर से ही अपना फेस को शेप दो या फिर थोड़ा सा और हेल्दी ग्लोइंग बनाओ, ज़रूरी नहीं है। जब स्टार्टिंग में मेरे पास कोई कॉन्टोर पाउडर नहीं था और मुझे सीखना था कि आखिर ये होता क्या, सच में काम भी करती है शेप शिफ्टिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मैं क्या करती थी, ब्राउन लिपस्टिक, यस, जो ब्राउन लिपस्टिक होती थी उससे अपनी क्रीम कॉन्टोरिंग करती थी। और आई वॉज रियली अमेज कि हाँ सच में होता है भाई ऐसा। तो चलिए, ये तो मैंने आपको अपनी पुराना एक किस्सा बताया। मैं आपको बता देती हूँ कि कॉन्टोरिंग आप दो टाइप से कर सकते हो, क्रीम कॉन्टोरिंग एंड पाउडर कॉन्टोरिंग। लेकिन और जो ब्रॉन्जर है वो भी लिक्विड फॉर्म में आता है आपका ब्रॉन्जर, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास ये पाउडर कॉन्टोर या फिर ब्रॉन्जर होता है। तो मैं इस पर ब्रीफली आपको समझा पाऊंगी अच्छे से कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। और अच्छी बात ये है कि जो पाउडर कॉन्टोरिंग है या फिर ब्रॉन्जिंग है, वो आप आई शैडो की हेल्प से भी कर सकते हो। जैसे कि ये इस टाइप का, ये जो दो राउंड शेड्स हैं, इनको मैं मिक्स करके कभी कभी कॉन्टोर कर लेती हूँ। मैंने अपने एक वीडियो में करा भी है, तो आप भी कर सकते हो। अगर आपके पास कॉन्टोर पाउडर नहीं है या फिर ब्रॉन्जर नहीं है, तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हो, डेफिनेटली वो बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। तो चलिए बात करते हैं कि ब्रॉन्जर और कॉन्टोर पाउडर आखिर होता क्या है, ब्रॉन्जर में और कॉन्टोर में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले कॉन्टोर की बात करते हैं। कॉन्टोर क्या होता है आपका, जैसे कि ये व्हाइट पेंसिल है और ये ब्लैक एक पेंसिल है, तो आपको सबसे पहले क्या दिख रहा होगा, व्हाइट पेंसिल, राइट। तो ये तो होती है आपकी हाइलाइटिंग, ये आपका हाइलाइटिंग का काम करता है, और ये है आपका कॉन्टोरिंग। दोनों चीजें क्या है, हाइलाइटिंग का काम होता है चीजों को उभारना, यानी कि आप अपने जिस पोर्शन को उभारना चाहते हो उस पर आप हाईलाइट करते हो, और जिसको आप कार्व करना चाहते हो, यानी कि आपको यहाँ पर एक शेडो चाहिए, आपका फेस फ्लैट जा रहा है एकदम, यहाँ पर आपको एक शेडो चाहिए, तो आप क्या करते हो, कॉन्टोर करते हो अपने फेस को। यानी कि किसी, आप ब्लैक से तो करोगे नहीं ऑब्वियसली बात है, आप ब्राउन कलर यूज करते हो, लेकिन किस टाइप का ब्राउन कलर यूज करते हो, जिसके ऑरेंज अंडरटोन्स होते हैं, वो वाला ब्राउन नहीं यूज करना चाहिए आपको, वो बहुत ही बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगता है, वो फेक सा लगता है। आपको कूल टोन ब्राउन कलर यूज करना चाहिए अपने फेस को कॉन्टोर करने के लिए, या फिर अगर वॉर्म टोन भी हो तो बहुत ज़्यादा वॉर्म नहीं होना चाहिए, ऑरेंज कास्ट नहीं पड़नी चाहिए। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, SFR Colors की तरफ से है ये, और ये बहुत ही अफोर्डेबल है ये। अगर आप चाहते हो इस पर मैं सेपरेट रिव्यू करूँ तो आप मुझको बता सकते हो। मुझको काफ़ी पसंद आया ये ब्रॉन्जर कॉन्टोर एंड सेटिंग पाउडर का ये जो ट्रायो है। इसमें ये जो आपको ब्राउन कलर, ब्राउन शेड दिख रहा है, ये एक कूल टोन ब्राउन है, तो इससे आप बहुत ही परफेक्ट, ये बहुत ही परफेक्ट शेड है, इससे आप अपना अच्छे से कॉन्टोर कर सकते हो, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और ये वाला जो वॉर्म टोन कलर है, ब्राउन है, इन दोनों को आप मिक्स करके भी अपना, अगर आपको कूल टोन ब्राउन बहुत ज़्यादा हार्श लगता है, तो आप क्या कर सकते हो, डेफिनेटली आप इन दोनों शेड्स को मिक्स करके कर सकते हो, अपने फेस को कॉन्टोर कर सकते हो। और अब हम बात करेंगे तो फिर वॉर्म टोन ब्राउन किस लिए यूज़ होता है। वॉर्म टोन ब्राउन यूज़ होता है आपके फेस को ब्रॉन्जअप करने के लिए, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। अब ब्रॉन्जअप क्या होता है वो भी मैं अभी आपको डिटेल से बताऊँगी। जैसे कि आप ये शेड देख रहे हो, ये काफ़ी थोड़ा सा वॉर्म अंडरटोन में है, ये वाला जो ब्राउन है ये काफ़ी अच्छे से एज ए ब्रॉन्जर काम करेगा। जब आप अपने फेस को
थोड़ा सा हेल्दी ग्लो देना चाहते हो, आप शेप शिफ्टिंग नहीं कर रहे हो अपने फेस को, कोई न्यू शेप नहीं दे रहे हो, बट आपको एक हेल्दी यू नो नेचुरल लुक चाहिए अपने फेस पर, तब आप ब्रॉन्जर का यूज करते हो। और बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर आप हाईलाइट करते हो वहां पर भी ब्रॉन्जर का आप यूज कर सकते हो, अगर ब्रॉन्जर आप शिमरी यूज करते हो तो। जैसे कि स्विस ब्यूटी का मेरे पास एक, देखिए स्विस ब्यूटी का ये ब्रॉन्जर शेड है, तो जो डस्की स्किन टोन है जिनका, तो वो एज ए ब्रॉन्जर बहुत अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा उनके स्किन टोन पर। और ब्रॉन्जर का काम होता है, ब्रॉन्जर आखिर हम यूज क्यों करते हैं, जब आप फाउंडेशन यूज करते हो तो फाउंडेशन से आप अपने फेस को इवन टोन कर देते हो, एकदम मतलब एकदम फ्लैट फेस आपका नजर आता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, जो नेचुरल ग्लो है आपके फेस पर वो लौटाने के लिए आप ब्रॉन्जर का यूज करते हो, जिससे कि वो एकदम पेल ना लगे, ऐसा ना लगे कि शरीर में खून ही नहीं है। इसलिए हम ब्लश, ब्रॉन्जर एंड कॉन्टोर का, कॉन्टोर तो शेप शिफ्टिंग की बात हो गई, लेकिन ब्रॉन्जर और ब्लश का हम स्पेशली इसीलिए यूज करते हैं जिससे आपका फेस एकदम नेचुरल लगे। अब हमको ये सीखना है कि हम इसको लगाएं कैसे, और हम कैसे लगा सकते हैं, और कहाँ लगाना चाहिए ब्रॉन्जर को। सबसे पहले हम ब्रॉन्जर की बात करेंगे, क्योंकि कॉन्टोर ज्यादातर लोगों को पता ही होता है कहाँ पर लगाना है, आपको पता है कि यू नो किस शेप में लगाना है। तो पहले हम ब्रॉन्जर की बात करेंगे। ब्रॉन्जर हमेशा आपको वार्म टोन्ड देना है, कभी भी कूल टोन्ड नहीं चलेगा। आप कॉन्टोर की जगह वार्म टोन फिर भी यूज कर सकते हो, लेकिन ब्रॉन्जर के लिए आपको कूल टोन ब्राउन नहीं लेना। कूल टोन्ड का मतलब है कि जो जिसका जो अंडरटोन हो वो ग्रेश हो, जो ब्राउन आपको ग्रे अंडरटोन्स पे लगे वो आपका कूल टोन ब्राउन होता है, थोड़ा कूल लगना चाहिए वो कलर। सो ब्रॉन्जर के लिए हमेशा ध्यान रखना है, आप जितना बड़ा ब्रश लोगे, ये तो मेरे फेस के हिसाब से काफी ज्यादा बड़ा है, जितना बड़ा आप ब्रश लोगे, स्टिफ ब्रश नहीं लेना है, जैसे कि ये परफेक्ट है तो ये जो ब्रश है इस टाइप का ब्रश ले सकते हो, और फ्लफी होना चाहिए काफी ब्रश, ये थोड़ा सा स्टिफ है तो मैं इसको अपने अकॉर्डिंग इसको बहुत ही लाइटली मैं हाथों से वर्क करती हूँ इस ब्रश से। लेकिन आपको ऐसा कुछ ब्रश लेना है जो बहुत ही ज्यादा यू नो सॉफ्ट हो, बहुत ही फ्लफी हो, हमेशा ब्रॉन्जर के लिए, जिससे वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो। जितना आप स्टिफ ब्रश लोगे ब्रॉन्जिंग के लिए वो उतना ज्यादा स्ट्रीकी लगेगा, ऐसा लगेगा कि यू नो जस्ट आप वाटर कलर्स के साथ खेल रहे हो अपने फेस पर, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो ब्रॉन्जर के लिए आपको हमेशा कोई भी यू नो वार्म टोन कलर लेना है, और उसको आपको लगाना कहाँ है, सबसे मेन पॉइंट जो है वो आपको सीखना है कि आपको लगाना कहाँ है ब्रॉन्जर, क्योंकि ब्रॉन्जर को आप लगाते हो अपने हाईएस्ट पॉइंट्स पर। लोग क्या करते हैं, ब्रॉन्जर को भी कॉन्टूर की जगह लगाते हैं, बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। ब्रॉन्जर को आप हमेशा लगाते हो अपने हाईएस्ट पॉइंट्स पर, जहाँ पर भी आपको यू नो जहाँ पर भी एक तरीके से कह सकते हो कि जहाँ पर भी धूप पड़ती है आपके फेस पर, क्योंकि आप फाउंडेशन से सब इवन आउट कर देते हो, तो आपको क्या करना है, ब्रॉन्जर को वहाँ लगाना है जहाँ पर आपके सन डायरेक्टली फॉल करती है, जिससे कि लगे ऐसा कि यू नो थोड़ा बहुत कलर है आपके फेस पर। मैं ये ब्राउन शेड ले रही हूँ, और बहुत ही हल्का सा आपको बहुत ही लाइट हैंड से यूज करना है ये जो ब्रॉन्जर है, और आपके जो एकदम हाईएस्ट पॉइंट्स हैं वहां पर एकदम फ्लफी मोशन में आपको इसको लगाना है। जैसे कि आपका आप नोज पे भी लगा सकते हो, नोज पे आप सोचोगे यहाँ पर तो हम हाईलाइटिंग शेड लगाते हैं तो हम ब्रॉन्जर क्यों लगा रहे हैं, ब्रॉन्जर से एकदम स्ट्रीकी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तभी आपको बहुत ही लाइट कलर का जो ब्रॉन्जर है वो सेलेक्ट करना है, और अपने फेस को ब्रॉन्ज अप करना है। कॉन्टोर के बिल्कुल अपोजिट है ब्रॉन्जर, आप ऐसा बोल सकते हो, और आप देखोगे कि अगर आप केयरफुली लगाओ ब्रॉन्जर तो बहुत ही हेल्दी ग्लो मिलता है आपके फेस पर। आपको स्माइल करना है, और एक तरीके से जहां पर आप ब्लश लगाते हो ना, ये जो हाईएस्ट आपके पॉइंट्स हैं फेस के, आप यहाँ पर किसी फ्लफी ब्रश से लगा सकते हो, तो आपको पहले से थोड़ा सा डिफरेंस, स्लाइटली डिफरेंस लग रहा होगा कि थोड़ा सा यू नो कलर ऐड हो गया है मेरे फेस पर, और ये नेचुरल लाइट में बहुत ब्यूटीफुल लगता है। बिल्कुल भी यू नो ऐसा नहीं लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगा रखा है, बिल्कुल भी फेक सा नहीं लगता है ये। आप ये वाला कलर भी यूज़ कर सकते हो, ये जो SFR कलर्स का वार्म टोन्ड ब्रॉन्जर, ये एक्चुअली मैट है। ब्रॉन्जर के लिए आप हल्का सा जिसमें शीन होती है ना वो भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है वो, बट अगर आप डेली यूज़ करना चाहते हो तो आप ये शेड यूज़ कर सकते हो। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉन्टूर की तरफ।
कंटूर के लिए आपको याद रखना है कि आपको हमेशा स्मॉल ब्रश लेना है, कभी भी आपको इतने बड़े ब्रश से कंटूर नहीं करना है। आप करोगे तो देखो इतना बड़ा किसका, यहाँ पर जो डेंट ऐसा पड़ता है, इतना बड़ा डेंट किसका पड़ता है, किसी का भी। तो आपको क्या करना है, हमेशा एक स्मॉल ब्रश से पहले एक तरीके से आपको डिसाइड करना है कि आपको लगाना कहाँ, ठीक है। और उसको लगाने से आपको कैसे आप पता लगाओगे कि परफेक्ट आपको कहाँ लगाना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर टच करके देखो आप, यहाँ पर जो बोन है आपकी, उस बोन के जस्ट नीचे, ये देखिए मेरी बोन का जो ये हॉलो बन रहा है ना, यहाँ पर टच करने पर आपको नजर आ जाएगा, खुद ही आपको फील हो जाएगा, इस बोन पर लगाना है आपको, इसके नीचे नेचुरल जो बोन है आपकी उसी के नीचे लगाना है। ये नहीं कि कुछ लोग एकदम नीचे लगाते हैं, बिल्कुल भी नहीं, और कुछ लोग बहुत ऊपर लगाते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। एकदम एग्जैक्ट आपके ये बोन ही आपको गाइड करेगी कि आपको कहाँ लगाना है, और आपको यहाँ से शुरू करोगे लगाना, फिर उसके बाद दोबारा ऊपर ले जाना है, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। फिर उसके बाद आपको ईयर तक ले जाना है, जैसे कि ये मैंने लिया ब्राउन शेड, ये कूल टोन ब्राउन है, एक बार में ज्यादा नहीं लेना है। आप ऐसा फिश फेस बना सकते हो अगर आप, और मैं क्या करती हूँ उसको साथ ही साथ ब्लेंड भी करती जाती हूँ। आप उसका, आप इसको बाद में भी ब्लेंड कर सकते हो, पहले आप सिर्फ स्ट्रीक की तरह लगाओ और फिर उसके बाद एक फ्लफी ब्रश से कर दीजिए। तो डिफरेंस दिख रहा है आपको, आपको खुद ही लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस, बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैंने बहुत लाइटली करा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा हार्श करना चाहूँ तो मैं इसको यहाँ तक लेकर नहीं आऊँगी, इस पर इसको मैं यहीं पर आपको पता चल रहा होगा कि ब्रॉन्जिंग में और कंटूरिंग में कितना डिफरेंस है। और कंटूरिंग अब अपने फेस को शिफ्ट करने के लिए, मतलब एक शेप में लाने के लिए लगाते हो, ना कि कलर ऐड करने के लिए अपने फेस पर। थोड़ा सा कलर भी ऐड होता है ऑफ कोर्स, बट मेन काम है आपका इसको शेप देना। और मैं जॉ लाइन पर भी लगाऊंगी, जॉ लाइन के नीचे लगाना है आपको, इधर नहीं लगाना ऊपर, ये जो एग्जैक्ट लाइन जा रही है, और इसको चिन तक लाना है, और ये स्वाइपिंग मोशन में बस सिंपली जैसे आप लगाते हो तो आपको दिख रहा होगा कितना ह्यूज डिफरेंस है, कितना ज़्यादा मेजर डिफरेंस है। ये एकदम ऐसे शेप्स आ रही है, और ये इधर इधर में मुझे थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, आजकल डबल चिन आ रहा है मेरा। आपको साइड से ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, एकदम शेप में लग रहा है, जबकि ये तो थोड़ा सा कॉन्टोर जो है आप अपना हेयर लाइन पर भी लगा सकते हो अगर आपका फोरहेड वाइड है तो। अगर आपका स्मॉल है फोरहेड तब आपको नहीं लगाना चाहिए, अपने फोरहेड को भी थोड़ा सा स्लिमर, वैसे मुझे ज़्यादा स्लिमर फोरहेड नहीं पसंद है, थोड़ा सा शेप के लिए जिससे पूरा फेस आपका इवन लगे तब आप लगा सकते हो इसको, ज़्यादा मत लगाइएगा। बट ब्रॉन्जर आप अच्छे से लगा सकते हैं अपने फोरहेड पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा सन की जो टैनिंग है वो आपके फोरहेड पर ही होती है, तो वो ज़्यादा नेचुरल लगता है। और अब नेक्स्ट है नोज़ कॉन्टूरिंग। नोज़ कॉन्टूरिंग आप कैसे कर सकते हो, ब्रॉन्जर आपको पता है मैंने अपने नोज़ पर कैसे लगाया, मैंने रैंडमली ऐसे लगाया क्योंकि धूप भी किसी शेप में तो पड़ती नहीं है ऑफकोर्स। तो आप कॉन्टूरिंग के टाइम पे क्या करोगे, इस टाइप का आपको कोई स्मॉल ब्रश लेना है, सबसे बेस्ट मुझको ये एंगुलर ब्रश लगता है। आप इस टाइप का कोई एंगुलर ब्रश या फिर लिप ब्रश, कोई भी स्मॉल प्रसाइज ब्रश ले सकते हो। डायरेक्टली आपको क्या करना है, लेना है इसको ब्रश में, और ब्रॉन्जर क्या है, आपने रैंडमली लगाया जहाँ जो आपका हाइएस्ट पॉइंट है सिर्फ वहाँ पर, और आपको ऐसा भी नहीं लगाना ब्रॉन्जर कि आप एकदम ब्राउन कर दो उसको, ऐसा नहीं, हल्का सा टिंट ऐड होना चाहिए। जबकि कॉन्टोर को आप कैसे लगाओगे, सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, मुझे ज्यादा स्लिम दिखाना नहीं पसंद है मेरी नोज को, क्योंकि वो फिर ज्यादा हार्श लगता है, ज्यादा अगर आप करने की कोशिश करोगे तो आप हल्का सा बस उसको एक थिन लाइन ड्रॉ करोगे पहले दोनों साइड से,
पर यहाँ पर ऐसे कट करोगे। अभी मैंने ब्लेंड नहीं करा है, और फिर इसको थोड़ा सा आईब्रो के साथ जॉइन करोगे जिससे वो फेक सा ना लगे। और फिर यहाँ पर, क्योंकि मेरी नोज यहाँ से वाइट है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ पर हल्का सा एक फेक शैडो क्रिएट करती हूँ, बिकॉज कंटूरिंग इज ऑल अबाउट शैडो। सो इसको आप यहाँ पर करके क्या करोगे, अब फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हो और किसी ब्रश से भी, फिंगर से ज़्यादा प्रिसाइज होता है ब्लेंड करना, पर इजीली ब्लेंड हो भी जाता है, फैलता नहीं है। सो आप देख सकते हो साइड व्यू में आपको एकदम स्ट्रेट नजर आ रही होगी, मेरी जो नोज है पहले से थोड़ी सी स्लिम हो गई है, थोड़ी सी हो पाएगी, ज्यादा नहीं। सो गाइस, आप नोटिस कर सकते हो कि पहले जो मेरा फेस था कैसा था, एकदम ही फ्लैट लग रहा था फाउंडेशन की वजह से। आप कुछ भी लगाते हो अपने फेस पर तो इवन आउट करने के लिए लगाते हो ना, बट इससे आपका फेस थोड़ा सा नेचुरल दिखता है। अगर आप अच्छे से लगाओगे तो ऑफकोर्स ब्लेंडिंग अच्छे से करोगे तभी दिखेगा नेचुरल, वरना तो अननेचुरल ही लगेगा। लेकिन इन स्टेप्स को फॉलो करके आपको, आई होप आपको पता चला होगा कि ब्रॉन्जर और कंटूर में क्या डिफरेंस है, कैसे लगाना है, और थोड़ा बहुत यू नो किस तरीके से लगाना है ये भी जानना इम्पोर्टेंट है। अब जैसे कि मैं मुड़ रही हूँ या फिर स्माइल कर रही हूँ तो आपको एक लाइन दिखती होगी, राइट। तो यही था आज का वीडियो, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपको ये ट्यूटोरियल थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो आपको करना है मेरे इस वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर, और जिनके लिए भी वीडियो हेल्पफुल रहे, और आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर आप भी हो सब्सक्राइबर हो। और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।